नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। और आपको बता दें कि स्कूल्स को लेकर लगातार हम आपको जिस तरह से बताते आ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से कि सरकार सेंटर की तरफ से इस पर गाइडलाइंस जल्द ही जारी की जा सकती हैं, तो आपको बता दें कल बीती रात इस पर गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे थे कि स्कूल्स खोलने की मंशा बन रही है और सेंटर इस पर कड़े कदम उठा सकता है, और स्कूल्स की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर भी इस समय बड़ा असमंजस सा बना हुआ है और हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या आज 2 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी या फिर क्या वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं। आपको बता दें कि आज रात 9 बजे के बाद वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस शुरू होंगी। 9 बजे तक आप कामकाज कर सकते हैं और 9 बजे वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस शुरू होंगी और सोमवार सुबह 6 बजे तक रहने जा रही हैं। तो वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर फिलहाल ये अपडेट सामने आ रहा है और इसको लेकर हमने आप तक कल भी एक रिपोर्ट पहुंचाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को कम करने का या फिर वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करने का पूरा विचार इस समय चल रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि केसेस लगातार डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सेंटर की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं स्कूल्स को खोलने के लिए, और जम्मू कश्मीर में भी जल्द ही स्कूल्स खोले जा सकते हैं। आपको बता दें जिस तरह से कल भी हमने आपको बताया था कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उन्हें स्कूलों में बुलाया जा सकता है जो कि वैक्सीनेटेड हैं। और अब सेंटर की गाइडलाइंस क्या कहती हैं ये भी आप जल्दी से समझ लीजिए। सेंटर की गाइडलाइंस में साफ तौर पर यह कहा गया है और क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो मैं आपको पढ़ के बता दूं। सेंटर की तरफ से कहा गया है, स्टेट्स विल डिसाइड वेदर स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू टेक पेरेंट्स कंसेंट फॉर फिजिकल क्लासेस। इसके मायने ये है कि स्टेट्स को ये कहा गया है साफ तौर पर कि स्कूल्स अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो इसमें आपको पेरेंट्स का कंसेंट लेना है या नहीं लेना है ये आपको तय करना है। ये बहुत बड़ी बात इस समय सेंटर की तरफ से कही गई है। स्टेट्स को, यूटी को ये कहा गया है कि अगर स्कूल्स खोले जाने हैं तो जो कंसेंट है वो पेरेंट्स का लेना है या नहीं लेना है, पेरेंट्स ने ये कंसेंट ये स्टेट्स को और यूटीज को डिसाइड करना है, ना कि आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेरेंट्स पर निर्भर करता है बल्कि अब स्टेट्स पर निर्भर करता है कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं। अगर उन्हें अपनी स्टेट्स की या यूटी की हालत बिल्कुल ठीक लग रही है कोरोना को लेकर तो उन्हें जरूरत नहीं है कि वो फिर उसके लिए पेरेंट्स को पूछें, उनके कंसेंट के लिए पूछें। इसलिए कहा गया है कि स्टेट्स को ये डिसाइड करना है कि पेरेंट्स का कंसेंट लेना है या नहीं लेना है। और एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फिजिकल क्लासेस। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड रिप्लेस करके फिजिकल क्लासेस कर दिया गया है, यानी कि फिजिकली अपीयर होना अब बेहद जरूरी है। और अगर कोई बच्चा फिजिकली अपीयर नहीं होता है तो उसकी एब्सेंट भी लग सकती है। तो अब आप समझ लीजिए कि पूरी तरीके से सरकार ने ये मन बना लिया है कि बच्चे अब स्कूलों का रुख करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये भी कहा गया है, जिस प्रकार की एक्टिविटीज जो कि स्कूल में होती हैं, म्यूजिक, गेम्स, स्पोर्ट्स को लेकर, आर्ट्स को लेकर, उसको भी अलाउ किया गया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसमें फॉलो करना होगा और उसके तहत स्टेट्स और जो यूटीज हैं वो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इसमें भी भाग ले सकते हैं, इसको भी अलाउ किया गया है। इसके साथ साथ ये भी जानकारी दी गई है कि 11 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर पूरे तरीके से स्कूल्स खोल दिए गए हैं और 9 स्टेट्स या फिर यूटीज ऐसी हैं जहां पर स्कूल अभी भी बंद हैं और 16 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर हायर क्लासेस के लिए स्कूल्स खोले जा चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये भी कहा गया है कि पॉजिटिविटी रेट लगभग 34 स्टेट्स और यूटीज में इस समय 5% से कम है और पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। इसी को लेकर अब सरकार की तरफ से ये बड़े कदम, बड़े फैसले उठाए जा रहे हैं और जिसको लेकर मैं आपको बता दूं कि अब सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो सेंटर है उन्होंने ये मंशा बना ली है, सरकार की तरफ से ये मंशा बन चुकी है कि बच्चों को अब स्कूल में बुलाया ही जाएगा और इसके लिए फिजिकल अपीयरेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये चीज भी अब सेंटर ने स्टेट्स के हाथों और यूटीज के हाथों सौंप दी है कि आप देखिए आपके राज्य में या फिर आपके केंद्र शासित प्रदेश में क्या जो बच्चे स्कूल आने वाले हैं आप ये तय कीजिए कि वहां की स्थिति क्या है कोरोना को लेकर और क्या वहां पर आपको पेरेंट्स का कंसेंट लेने की जरूरत है या नहीं है। तो फिजिकल क्लासेस के लिए तो बुलाया ही गया है बच्चों को, तो अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो मोड है उसे भूलना पड़ेगा और जिस तरीके से ऑफलाइन मोड
चलता आ रहा है लगातार पिछले 2-3 सालों से, डिस्टर्ब हुआ है कोरोना काल की वजह से, लेकिन अब सेंटर की तरफ से साफ तौर पर ये कड़े शब्दों में पहले भी सेंटर ने कहा था और इसमें हेल्थ मिनिस्टर भी पहले बोल चुके हैं कि स्कूलों को खोलने के लिए अब पूरा पूरा मन बनाया जाए क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है वो इसमें खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो कोरोना वायरस का संक्रमण अगर इसी तरीके से कम होता रहेगा तो स्कूल्स और इसके साथ साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज सब कुछ संपूर्ण तरीके से ऑफलाइन मोड पर चलने जा रहा है। एक बड़ी बात यहां पर, जो विद्यार्थी कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं और यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए हैं, उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि स्कूल्स के बारे में तो बात की जा रही है लेकिन हमारा क्या। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज के हैं या फिर कॉलेजेस के हैं, अगर स्कूल्स के लिए इतने सख्त कदम उठाकर उन्हें बुलाया जा सकता है तो कॉलेजेस के लिए और यूनिवर्सिटीज के लिए जाहिर सी बात है कि पहले ही ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए आप ये मानकर चलिए कि उन्हें भी जल्द से जल्द यूनिवर्सिटीज को ओपन किया जा सकता है, कॉलेजेस को ओपन किया जा सकता है, बच्चों को बुलाया जा सकता है। जहां स्कूल्स के लिए इतने बड़े ठोस कदम उठाए जा रहे हैं तो वहां यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए ये सब तो अनिवार्य होगा ही। तो अब देखना जरूरी होगा कि जम्मू कश्मीर यूटी इसको किस तरीके से लेती है और जम्मू कश्मीर में जब स्कूल्स खोले जाते हैं तो क्या पेरेंट्स का कंसेंट यहां पर लिया जाता है या नहीं, और क्या फिजिकल अपीयरेंस के लिए किस तरीके से बच्चों को बुलाया जाता है, क्या फेज्ड मैनर में स्कूल्स खोले जाते हैं, क्या इसमें या फिर यह देखा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज खोले जाएंगे। अब सब कुछ स्टेट्स के ऊपर निर्भर करेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाएगा कि कहां कहां पर पॉजिटिविटी रेट किस हिसाब से है और वहां पर उसी तरीके से बच्चों को स्कूल्स में बुलाया जाएगा। तो अब सेंटर ने साफ तौर पर आदेश दे दिए हैं कि स्कूल तो बुलाना है लेकिन अब आप देख लीजिए कि पेरेंट्स का कंसेंट लेना है या नहीं लेना है और किस तरीके से, क्या फेज्ड मैनर में खोलना है और किस तरीके से खोलना है। और इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से जो नियम है कोरोना वायरस के वो साफ तौर पर सरकार ने यहां पर बताए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ रहना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उन्हें बुलाना, जो स्टाफ के लोग हैं उनके वो सैनिटाइज होने चाहिए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इसको दोहराने की जरूरत है क्योंकि ये सब आप और हम सब बाखूबी जानते हैं। तो स्कूल्स को लेकर बड़ी खबर और वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर आज रात 9 बजे के बाद वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो जाएंगी और सोमवार सुबह 6 बजे तक रहने वाली हैं। और एक बड़ी बात ऐड कर दें कि अगले हफ्ते क्या वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस जम्मू कश्मीर में रहेंगी या नहीं रहेंगी, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है और इस पर कहीं ना कहीं हो सकता है आपको रिस्ट्रिक्शंस कम भी देखने को मिले और हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस हटाई भी जा सकती हैं, यह भी संभावना है। तो देखेंगे कि आखिरकार क्या कुछ खबर निकलकर सामने आती है वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर। देखते रहिए चैनल वन, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। कैमरा के उस ओर मेरा साथ दे रहे हैं अश्विनी कुमार।